1, 2, 3, 30 launched. दोस्तों अक्सर मेरी वीडियो या फिर मेरे जैसे दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस पर आप एक लाइन जरूर देखते होंगे, इस मिसाइल से चीन, पाकिस्तान और नेटो संगठन, पश्चिमी देश, अमेरिका, ये सब भी हैरान रह गए। इस तरह की कुछ लाइंस आपने पढ़ी है ना, पहले देखी होंगी। तो क्या सच में भारत कुछ ऐसी मिसाइलें बना भी पाता है जिनसे पश्चिमी देश भी परेशान हो जाते हो, अमेरिका जैसा देश परेशान हो जाता हो? तो मैं आपको जवाब दूंगा कि जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, 100 बार होता है। वो लोग नहीं चाहते कि उनकी जो लीडरशिप है, जो वो दुनिया के ऊपर राज करते हैं, पूरे दुनिया का इकोसिस्टम अपने हाथों में रखते हैं, वो किसी और देश के पास चले जाए। मैं आपको बता दूं कि आजकल की अग्नि 5 मेरव टेक्नोलॉजी और अग्नि 6 के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, इन्हें आप छोड़ दीजिए। जी हाँ, इस तरह की मिसाइलों को आप छोड़ दीजिए। पृथ्वी 1 से पूरा अमेरिका और पूरा नेटो संगठन दहल गया था और भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। यानी वाकई में भारत द्वारा बनाई गई मिसाइलों से पूरा अमेरिका, नेटो, पश्चिमी देश, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे देश डरते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी मिसाइल के बारे में। जी हाँ, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किन किन लोगों ने इसके पीछे योगदान दिया और कैसे कैसे भारत को तकलीफों का सामना करना पड़ा और फाइनली भारत मिसाइल प्रधान देश भारत बन चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साल था 1983। भारत को अपने दोनों पड़ोसियों से खासा खतरा था। इन दोनों ही पड़ोसियों से कई बार युद्ध भारत लड़ भी चुका था, कई युद्ध जीते तो एक युद्ध भारत हारा भी था, 1962 वाला। ऐसी परिस्थिति में भारत को चाहिए था कि अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसलिए दोस्तों 1983 में भारत ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है IGMDP। जी हाँ, ये शायद आपने पहले सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि इस दौर में जो DRDL है उसके प्रमुख हुआ करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती गांधी। अब जब ये IGMPD की शुरुआत की गई तो इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे APJ अब्दुल कलाम साहब। उनके इसी योगदान की वजह से उन्हें आज मिसाइल मैन कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि उस समय की हमारी भारतीय सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। आज भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में से एक है। लेकिन आत्मनिर्भरता का ये सफर बहुत ही लंबा है। इसमें एक अहम दिन आया, 25 फरवरी 1988, जब भारत ने अपनी पृथ्वी मिसाइल का पहला टेस्ट किया। मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट के बाद काफ़ी समय के बाद इस मिसाइल को पृथ्वी 1 नाम दिया गया था। उससे पहले इसे पृथ्वी 1 नाम देंगे ऐसी कोई भी चर्चा नहीं थी, केवल पृथ्वी मिसाइल ही इस मिसाइल को कहा जाता था। जब इसका पूरी तरह से सफल परीक्षण कर लिया गया तो ये भारतीय सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के दम पर देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल बना ली थी जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचा चुकी थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी और उन्होंने IGMDP की शुरुआत में ही कलाम साहब से ये कह दिया था कि आपको समय दिया जाता है जून 1987 का, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा और इस समय ड्यूरेशन के अंदर आपको एक मिसाइल बनानी है और उसका सफल परीक्षण भी करना है इसी दौरान। इस मिसाइल को डेवलप करने में DRDO की तमाम संस्थाएं और साथ ही साथ भारतीय विज्ञान संस्था और इसरो जैसी संस्थाओं ने इस मिसाइल के अलग अलग हिस्सों पर काम किया। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने इस मिसाइल के लिए एल्गोरिदम तैयार किया। दरअसल उस दौर में अमेरिका और USSR के बीच में चल रहा था कोल्ड वॉर और जब हमने मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत की उस समय तक USSR ऑलमोस्ट टूट गया था। फाइनली 1990 के दशक में ये पूरी तरह से टूट गया और अमेरिका सहित पूरे नेटो का चहेता बन चुका था पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान को अमेरिका का पूरी तरह से समर्थन रहता था। अब वहीं दोस्तों भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था, लेकिन इसके बाद भी भारत का झुकाव USSR की तरफ जबरदस्त था। इस वजह से अमेरिका की नज़र भारत के ऊपर हमेशा रहती थी और पाकिस्तान को समर्थन देने का कारण यही था कि वो भारत को डोमिनेट कर सके। अमेरिका नहीं चाहता था कि दक्षिण एशिया में भी कोई ऐसा एक देश शक्तिशाली बनकर उभरे जो कि आने वाले समय में उसे ही चैलेंज कर दे, इसलिए अमेरिका की भारत के साथ कभी नहीं बनी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही मिसाइल है जिसके बाद
अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की और जो 7 परमाणु संपन्न राष्ट्र थे उन्हें मिसाइल संबंधित किसी भी टेक्नोलॉजी को भारत को न दी जाए इसके लिए प्रतिबंध लगा दिए गए। जी हाँ, और दोस्तों यकीन मानिए कि भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसके ऊपर प्रतिबंध लग जाने के बाद वो ज्यादा दुगनी तेजी से उन्नति कर पाया। एक्चुअली मिसाइल से रिलेटेड किसी भी टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर जब भारत को सैंक्शंस लगाए गए उसके बाद भारत को ये सारी चीजें खुद के स्तर पर ही डेवलप करनी पड़ी। ऐसे में फायदा भारत का ही हुआ, यानी अगर ऐसा नहीं होता तो शायद भारत यूएसएसआर या और किसी फ्रेंडली कंट्री से न खरीद लेता तो भारत खुद के बूते ये चीजें नहीं बना पाता। लेकिन अब चूंकि सैंक्शंस लग ही चुके थे इसलिए भारत को थोड़ा सा समय ज्यादा जरूर लगा, लेकिन भारत ने हर चीज घर पर ही तैयार की और उसी का नतीजा आप देखते हैं कि आज भारत के पास अग्नि 6 जैसी मिसाइलों की बातें की जाती है। और फाइनली भारत ने इन सारी परेशानियों से जूझने के बाद, इन पर विजय प्राप्त करने के बाद 25 फरवरी 1988 को अपनी पहली मिसाइल का परीक्षण कर दिया। और दोस्तों इसके बाद ये सिलसिला आज तक नहीं रुका है। मैं आपको बता दूं कि यही प्रोग्राम जिसके तहत पृथ्वी मिसाइल बनाई गई थी IGMDP, इसी कार्यक्रम के तहत पृथ्वी मिसाइल के बाद आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि जैसी मिसाइलों को भी विकसित किया गया जिससे संबंधित सारे कार्यक्रम आज सुपर हिट हैं। आज इन फील्ड में किसी भी तरह की मिसाइल को आप देख लीजिए, दुनिया की लीडिंग मिसाइलों में से एक मिसाइल भारतीय मिसाइलें मानी जाती हैं। उस समय शुरुआती पृथ्वी मिसाइल की जो रेंज थी वो थी 150 किलोमीटर, जिसे बाद में साल 2004 में 600 किलोमीटर तक कर लिया गया और आखिरकार पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 भी इसके बाद आई। लेकिन जो पृथ्वी 1 की उपलब्धि थी वो भारत के लिए सर्वाधिक उपलब्धि थी।